आज की जो रेसिपी है ये सुपर क्विक है एंड अटरली डिलीशियस है। आज मैं बना रही हूँ लहसुनी मेथी और ये सब्जी बहुत ही फटाफट बन जाती है, टेस्टी भी लगती है और बस कुछ ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है। तो चलिए लहसुनी मेथी बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पीनट्स है वो और ये जो तिल लिए हैं मैंने, इसका एक पाउडर बना देती हूँ। मैंने 1/4 कप जितनी पीनट्स ली है और ये माइल्डली रोस्टेड हैं और कच्चे वाले तिल लिए हैं 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले मिक्सर जार में ये पीनट्स और तिल को पीस लेते हैं। ये वाला पाउडर जो हम बनाएंगे ना, ये सब्ज़ी को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और अब इसका पाउडर बना लेते हैं। ये पाउडर को मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ पहले। और अब ये जो पाउडर हमने तैयार किया है उसमें मैं 1 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड कर देती हूँ। बेसन से सब्ज़ी को बहुत अच्छा बाइंडिंग मिल जाएगा। और मैं ये पाउडर में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक थिक पेस्ट बना लेती हूँ। ये लीजिए, सारी चीज़ें अब मेरे पास तो रेडी है। अब सब्ज़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ। आप ये सब्ज़ी घी में भी बना सकते हो। मैं लहसुन डाल देती हूँ और ये वाला लहसुन मैंने बड़ा काटा है। और जैसे ही लहसुन हल्का सा लाल होने लगे मैं उसमें ऐड कर देती हूँ बारीक कटी हुई मेथी और ये मैंने बड़ा सा एक बंच लिया है। अब ये मेथी में मैं सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। चलिए मेथी तो पक चुकी है, इसको मैं एक बोल में पहले निकाल लेती हूँ। वापस से मैं वही कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ले लेती हूँ और अब गरम तेल में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा जीरा और हींग। जैसे ही जीरा चटक जाए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मीडियम साइज़ का एक प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। ये टाइम पे मैं बहुत ही ज़रा सा ही नमक ऐड करूँगी ताकि प्याज जल्दी पक जाए, क्योंकि हमने मेथी में भी नमक ऐड किया हुआ है। प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि वो हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा उसको गुलाबी करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। और अब ऐड कर देते हैं कुछ बेसिक मसाले, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ। मसाला जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। लास्ट में ऐड कर देते हैं ये जो हमने पीनट्स और तिल की पेस्ट बनाई थी बेसन डाल के, उसको। ये पेस्ट ऐड करके मैं फ्लेम को एकदम स्लो कर दूंगी और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए पीनट्स और तिल की पेस्ट तो पक चुकी है, साइड साइड्स में तेल भी इसने उज़ आउट कर दिया है। बस यही टाइम पे उसमें ऐड कर देते हैं ये मेथी। चलिए अब लास्ट में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड अटरली डिलीशियस सब्ज़ी तो तैयार हो जाएगी। गर्मा गर्म लहसुनी मेथी को सर्व कर देते हैं। और आज मैं ये सब्ज़ी को सर्व कर रही हूँ बाजरे की रोटी के साथ। आप इसको नॉर्मल रोटी, पराठा, भाकरी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट नो वर्ड्स, अब खुद की तारीफ में क्या करूँ। इतनी अटरली डिलीशियस सब्ज़ी है ना, मस्ट ट्राई वाली है ये रेसिपी।